जी, सबसे पहले तो आप मीडिया भाई और अपने दर्शक भाई को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं जसवंत कुमार, और आज यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं शेर सिंह फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, जिसके स्टार हमारे सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, अमरपाली दुबे हैं और अशोक समर्थ जी हैं। मैं भी सरकार राज और अभी हाल में आई वांटेड फिल्म के बाद उसको मैंने प्रोड्यूस भी किया था और उसमें एज एन एक्टर भी काम किया था। तो उसके बाद इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं शशांक राय जी, और हमारे भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं वो और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो आज जो यहाँ चल रहा है, हम लोग का एक आइटम सॉन्ग चल रहा है जिसमें संभावना सेठ जी हैं और खुद अपने पावर सुपर स्टार पवन जी हैं। और चूंकि इस फिल्म में मैं एक खलनायक की भूमिका लिए चुना गया हूँ, तो इसमें मेरा भी सीन चल रहा है इस आइटम सॉन्ग में। बहुत मजा आ रहा है, हम लोग शूट कर रहे हैं और फुल इंजॉय के साथ, मतलब आप लोग देख रहे हैं एक बड़ा सेटअप लगा हुआ है, भव्य सेटअप है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी आर्टिस्ट इसमें और हैं, जैसे अजय सूर्यवंशी हैं और जय सिंह हैं, लेकिन आज हम लोग का इसमें एक स्पेशल आइटम सॉन्ग चल रहा है। चूँकि आपने सही कहा है, पावर सुपरस्टार पवन जी हैं तो उनके अपोजिट तो होने चाहिए। तो आज चूँकि हिंदी में काफ़ी फिल्में कर चुके अशोक समर्थ जी, चूँकि देख रहे हैं यहाँ पे एक भव्य सेट लगा हुआ है जिसमें संभावना सेठ जो है इसमें आइटम गर्ल हैं, जो कि अपना अपने पावर स्टार सुपर स्टार पवन सिंह जी उस गाने में, मतलब दोनों लोग का डुएट सॉन्ग है। और चूंकि आपने कहा कि पावर सुपर स्टार पवन जी हैं, तो इसमें खलनायक की क्या भूमिका है, कौन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में शेर सिंह में हिंदी के एक मशहूर विलेन अशोक समर्थ जी हैं जो मुख्य खलनायक में हैं। उसके बाद में मैं जसवंत कुमार उनके भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ, अजय सूर्यवंशी जी हैं, जय सिंह हैं, तिलक जी हैं और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो शेर सिंह के अपोजिट, मतलब एक विलेन का बहुत बड़ा जमावड़ा है जो कि दर्शक को खूब भाएगा, मतलब सब खूब अपनी अपनी रोल को बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। जी, मैं इतना कहूँगा कि इसमें हम समर्थ जी और अशोक समर्थ जी और मैं जो है और अजय सूर्यवंशी, ये तीनों हम लोग भाई हैं और इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता, वो दर्शक जब पर्दे पे देखेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। इतने कहना चाहूँगा कि इसमें दो सेट में हम लोग चल रहे हैं और ये ज़रूर दर्शक भाइयों को खूब रोमांचित करेगा। नमस्कार, मेरा नाम राजवीर यादव है और इस फिल्म में मैं एक नेगेटिव करेक्टर कर रहा हूं जिसका करेक्टर का नाम है लल्लन, और आज आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही है चांदीवली स्टूडियो में। मेरी भोजपुरी की पहली फिल्म थी सैया सिपहिया। राजवीर जी, कहां कराने वाला और कैसे मुंबई आने वाले, बताइए। मैं रहने वाला यूपी का हूं और भदोही ज़िले का हूं, बिक्रमपुर गांव करके एक गांव है, छोटा सा कस्बा है, वहां से रहने वाला हूं। और इसी थिएटर करता था बनारस में, उसके बाद में फिर वहां से फिर बॉम्बे आना हुआ और काफ़ी थिएटर किया यहां पे। पहली फिल्म कैसे मिली थी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा था और आज कितने मुकाम पहुँचे? मैं जिनके साथ में प्ले करता था बॉम्बे में, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था, तो वो पहली फिल्म मुझे वहाँ से मिली थी। उसके बाद में मैंने कई फिल्में किया था और पवन जी के साथ में ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम, उसके बाद में सैया सिपहिया, झुलनिया लायदा राजा जी, पिया तो से नैना लागी, उमरिया कैली तोहरे नाम, मधुबाला और आज ये शेर सिंह। शेर सिंह में है आपके अपने किरदार प्रीव्यू करेंगे तो क्या है? शेर सिंह में एक नेगेटिव करेक्टर है मेरा, विलेन के ग्रुप से जो मैं
पहले विलेन की तरफ रहता हूँ, उसके बाद में फिर सेकंड अपोजिशन पे पार्टी में मिल जाता हूँ। इसके जो सेंटर करेक्टर हैं अशोक समर जी, उनके साथ में मैं थोड़ा सा डबल क्रॉस करता हूँ। पवन तो, सिंह और अमरपाली के बारे में क्या सोचा, कैसे इंसान है वो लोग, कैसा लगा शूटिंग करके साथ में? नहीं नहीं, अच्छा लगा, इंसान अच्छे हैं। पवन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या जो आपको याद है पवन सिंह के साथ, आपकी लड़ाई हुआ या दोस्ती हुआ या हंसी मजाक कुछ? नहीं, दोस्ती तो उनसे बहुत पहले से है, बहुत पहले से। आई थिंक मैं उनको तब से जानता हूँ जब उनकी पहली हीरो फिल्म आई थी रंगली चुनरिया तोरे नाम, तो तब से पहचान थी। उसके बीच में ये सेकेंड फिल्म है, काफ़ी 14-15 साल का गैप हो गया उनसे मुलाकात होने में, लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोगों के साथ में पहली फिल्म में बिताए हुए लम्हे जो भी उन्होंने बिताए थे आज तक उन्हें याद है, इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी होती है। अमरपाली के बारे में क्या कहेंगे? उनके साथ में ये मेरी पहली फिल्म है, तो उनसे ज़्यादा बस सिर्फ हाय हेलो है। बाकी सिनेमा के अंदर कैसा उन्होंने काम किया कुछ बताएंगे? सिनेमा के अंदर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो इस फिल्म के सेंटर करेक्टर हैं और इस फिल्म की मेन लीड हैं, तो उनका बिहेवियर सेट पे या ऑफ बिहेवियर सेट पे बहुत अच्छा रहा है। और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। थैंक यू। और आज जो शूटिंग चल रही है शेर सिंह की, उसके बारे में बता दो। शेर सिंह काफ़ी अच्छी मूवी है और आज हम आइटम सॉन्ग देखने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से शूट किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी फिल्म देखने के लिए दशहरे में ज़रूर जाएं। काफ़ी अच्छी फिल्म है पवन जी का। काफ़ी कैसे जुड़ा हुआ है? मैं इस फिल्म के अंदर एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हूं। ये मेरे को प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूं और काफ़ी दिल लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे थे, सेटिंग का काम किया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हुई है, बीच में बारिश भी आ गई। पवन जी के साथ आप शूट कर रहे हैं, कैसे इंसान है, उनको कुछ कहना चाहते हैं? पवन जी के बारे में जितनी बड़ाई की जाए वो कम ही है। वो बंदे टाइम पे आते हैं, आराम से काम करते हैं, मूडियल इंसान ज़रूर है बट काम के मामले में बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। और डांस के मामले में और गाने के मामले में आप सभी लोग जानते हैं। दरमियान कोई घटना ऐसा जो पवन जी और आपके साथ हुआ हो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक घोड़बंदर का सीन किया था हमने, जिसके अंदर पूरे प्लेटफॉर्म पे पानी भर गया था, तो हमने स्पेशली उनके लिए नाव मंगाई थी, उस नाव में बैठ के वो वेनिटी गए थे। तो ये अच्छा सा वाकया मेरे साथ उनके साथ हुआ है और बाकी तो हम आपसी वार्तालाप होती रहती है और जिसमें वो अच्छे से हमारी बातों को सुनते हैं और बताते हैं। कुछ तारीफ करेंगे? हमारे को प्रोड्यूसर, इन्होंने काफ़ी मदद की है फिल्म के अंदर, अपना सजेशन देते रहते हैं, प्लस धन के साथ में भी मदद की है। क्या सर, सच है और अच्छी बात है, फिल्म बहुत अच्छी है हमारी। हम लोग फर्स्ट टाइम भोजपुरी में आए हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप लोग फिल्म दशहरा पे सोच रहे हैं रिलीज़ करने के लिए और करेंगे, आप लोगों का सबका सपोर्ट होगा। तो कलाकार इसमें अमरपाली जी हैं, अमरपाली दुबे जी हैं, अशोक समर्थ हैं और अभी संभावना जी हमारे साथ कर रही हैं, आइटम सॉन्ग कर रही हैं। तो आप लोग जाएं देखें फिल्म, अच्छा है, फिल्म अच्छी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा लगा भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस करके? बहुत बढ़िया लग रहा है और बड़ा अच्छा माहौल है भोजपुरी का यार, मज़ा आ जाता है। हम गाँव से जुड़े हुए हैं, बनारस के हैं तो अच्छा लगता है। और 13-14 साल टीवी में हो गया, उसके बाद भोजपुरी में आए हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिल्म और टीवी का बिल्कुल अलग अलग पैटर्न है, मज़ा आता है काम करने में। शशांक राय को आपने कैसे भरोसा किया? शशांक मेरा छोटा भाई है, एक्चुअली 5 साल पहले हम मिले थे, 4 दिन हमने साथ में काम किया था और आज हम लोग इस लेवल पर हैं। और बहुत बढ़िया हिम्मत दिखाई है उस बंदे ने और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं। बॉलीवुड से हैं, भोजपुरी सिनेमा कर रही हैं, गाने आपके कर रही हैं, कितना आपको कोऑपरेट कर रही हैं? नहीं, संभावना जी पूरा कॉपरेट कर रही है, बारिश हो गई है फर्श पे, आप लोग देख ही रहे होंगे, उसके बाद भी वो कर रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने कोई ऐसा बोला भी नहीं है कि मुझे नहीं करना है या कुछ। बताएंगे शूटिंग चांदी वाली स्टूडियो में चल रही है, साकिना का भी समय, रात के 1 बजने वाले हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। जुड़े हुए हैं अजय यादव, दीपक मेरा नाम है और मैं को प्रोड्यूसर में जुड़ा हुआ हूँ इसमें। कैसा सिनेमा बना रहे हैं कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया सिनेमा बन रहा है, रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग कि प्लीज़ ज़रूर देखिए इस मूवी को और बहुत बढ़िया मूवी बन रही है। अभी पवन सिंह की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी होने वाली है। आप पवन सिंह के फैन हैं? जी, बहुत बहुत बढ़िया फैन। गाना याद है उनका? जी जी, लॉलीपॉप लागे लू। तो लॉलीपॉप लागे लू आप कब सुने थे, कुछ याद है आपको? जी जी, 2009 के लगभग, 2008-09 में उनकी मूवी आई थी गाना। हाँ। जो है काफ़ी हिट हुआ था उनका ये गाना। जो भोजपुरी फिल्म बनाने के कैसे दिमाग में आया? नहीं, हम लोग गाँव से रिलेटेड है, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं तो भोजपुरी मूवी जो है कि हम लोग अच्छा लगता है, हम लोग को मूवी मतलब गांव से रिलेटेड है, माटी से रिलेटेड है हम लोग।
पवन सिंह के क्या कुछ खास बातें हैं जो अच्छी लगती है? नहीं, पवन सिंह दिल से बहुत अच्छे आदमी है और जो है काम बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रहे हैं और करते भी हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज सुपरस्टार है वो, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो। आप कभी एक्टिंग करने के बारे में सोचा एक्टिंग करना चाहिए? जी नहीं अभी, जी मेरा वो ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी। हमारे भोजपुरी दर्शकों क्या कहेंगे अपने सिनेमा के बारे में? जी यही कहेंगे हम कि प्लीज़ आप जरूर ये मूवी देखिए, अभी मूवी है दशहरा पे आने वाली है और आप लोग, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ये मूवी जरूर देखिए। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, पहले तो सबसे पहले पूरे भोजपुरी दर्शक भाई के नमस्कार और मीडिया भाई को प्रणाम नमस्कार। आज यहाँ पे चांदीवली स्टूडियो में हम लोग हैं और यहाँ संभावना सेठ के साथ हम लोग का एक बड़ा प्यारा सॉन्ग चल रहा है, आइटम सॉन्ग है जिसमें पावर सुपरस्टार पवन जी भी हैं और हम दोनों भाई ये अजय भाई हैं जो कि मैंने सुना है ये जो लड़का के साथ खड़ा है इसके अमरपाली साथ साथ होता सही होता है बहुत मेहनत की है शादी के लिए। बहुत ट्विस्ट है सिनेमा के अंदर जो है, शेर सिंह जो फिल्म शूट हो रही है। नहीं, ये भाई हमारा बहुत कोशिश करता है और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने भाई की शादी करवा दूं और ये कोशिश कई बार होता है लेकिन हम लोग असफल रहते हैं। असफल रहते हैं जैसा कि होता है फिल्मों में, नहीं हो पाती है और उस बीच में क्या होता है कि अपने सुपरस्टार साहब आते हैं और बीच से ही हीरोइन को ले उड़ते हैं और दो बार ऐसी कोशिश होती है लेकिन नहीं हो पाता है। तो आपने किसी से सीखा नहीं था कि कैसे लड़की पटाया जाए? ऐसा हो गया था, शादी का पूरा मंडप सज गया था लेकिन क्या करते हैं, जैसा कि स्टोरी में है फिर सारा कुछ माहौल गड़बड़ हो जाता है। भाई ये छोटा हमारा तो जिद करते हैं कि भैया हमको इसी से शादी करनी है, हमने तो पूरा प्रयास किया कि जो है इनकी शादी करा दिया जाए और करवाने की कोशिश भी करता हूँ। भाई है भाई के लिए भाई के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, बड़े भाई का करेक्टर मेरा ऐसे ही है। अब ये पार्ट टू में अब ये शेर सिंह पार्ट टू में किया जाएगा। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जगह पे शूटिंग किया, इसके पहले जोधपुर किया, आज अभी तो हम लोग जोधपुर से आए हैं और जोधपुर में बहुत ही ज़बरदस्त शूट हुआ उधर। और चूँकि ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शशांक राय जी हैं, काफ़ी भोजपुरी में इनकी पहली फिल्म है लेकिन काफ़ी मज़े हुए काम कर रहे हैं। पूरा यूनिट ही ज़बरदस्त है ना, तो यूनिट भी उन्होंने लिया है अपने पावर सुपरस्टार पवन जी के अलावा। इसमें अमरपाली दुबे और हम दो भाई सामने खड़े हैं, मैं जसवंत कुमार, अजय सूर्यवंशी और हमारे जो बड़े भाई के किरदार में हैं हिंदी से जो अशोक समर्थ जी हैं, काफ़ी फेम खलनायक को भी हैं, जय सिंह भी इसमें हैं और बहुत सारे कलाकार इसमें हैं सपोर्टिंग में। और आज तो जो गाना हो रहा है गजब का गाना है, गाना है और इसमें संभावना जी का इस समय फिर शशांक राय जैसा नाम है वो एक सशक्त डायरेक्टर हैं नाम के हिसाब से जो है, और काफ़ी जो है भोजपुरी में उनका पहला एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत ही काफ़ी मज़े हुए हैं और बहुत अच्छा वो अपना काम कर रहे हैं, इसके पहले सबसे हम लोग से सबसे मतलब काफ़ी अच्छा काम निकाल रहे हैं। कभी उनके साथ पहले आपने काम किया है? नहीं, शेर सिंह में संभावना जी के साथ मेरा पहला है। कैसा उनके साथ काम करके अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त एक्टर हैं और डांसर हैं जो कि आज मैं देख रहा हूं। हालांकि आप लोग को पता है काफ़ी फिल्में मैं भी बना चुका हूं, अभी हाल फिलहाल सरकार राज और अभी लेटेस्ट वांटेड फिल्म आई थी जो काफ़ी सुपरहिट गई, अपने प्यारे दर्शक भाई बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए उस फिल्म को, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया वो फिल्म। तो ये शेर सिंह जो चल रहा है इस समय ये भी काफ़ी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और दर्शक भाई से यही उम्मीद है कि इस फिल्म को भी वो काफ़ी प्यार और आशीर्वाद देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेट बहुत अच्छा लगा हुआ है और इस समय हम फिल्म का कहानी के हिसाब से एक जश्न हो रहा है जिसमें हम लोग मतलब काफ़ी खुश हैं सब लोग, हम तीनों भाई, और इसमें संभावना जी आती हैं और काफ़ी खूबसूरत गाना है जिसमें पवन जी के साथ ये पूरा सॉन्ग है और मज़ा आता है पूरा। तो अभी तो आज पूरा ओवरनाइट ही शूट होने वाला है। अजय जी, पवन जी के बारे में कुछ बताएंगे, जाने अगर आप किस तरह के इंसान हैं, कैसा शूट करते हैं? पवन जी के साथ ही मेरा पहला एक्सपीरियंस है फिल्म में, लेकिन जो मैंने देखा कि पवन जी मतलब बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं
और बहुत ही प्रोफेशनल, मतलब आते हैं आराम से काम करके फटाफट निकल जाते हैं, किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग के साथ जो भी सीन हुआ, मतलब सारे सीन बहुत ही प्यारे हुए हैं, और अभी फाइट होना तो बाकी है, क्लाइमेक्स सीन अभी होना बाकी है। और जबकि मैंने उन्हें देखा जो वहाँ पे जोधपुर में सीन हुआ था फाइट वगैरह का, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अभी जो बाकी बचा हुआ है इधर हम लोग जल्दी ही निपटाएंगे उसको। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ। कितने सीन हो चुके हैं उनके आपके साथ, अगर पूरी फिल्म की बात करें? पूरी फिल्म में मेरे ख्याल से लगभग अभी 10 सीन हो गए होंगे, 10 से ऊपर ही सीन, 10 से ऊपर सीन हुआ है, लेकिन जितने सीन हुआ है सब एक से एक सीन है, और बहुत अच्छा शूट हुआ है। और चूंकि उनका बहुत सपोर्ट रहता है और काफ़ी अच्छा वो काम भी करते हैं, जो आज दर्शकों का इतना प्यार आशीर्वाद उनको मिल रहा है, उसके हकदार तो वो उस लायक हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी फिल्म के बारे में मैं हम लोग क्या कहें, और फिल्म आप लोग देखेंगे, आपके बीच आएगी तो अपने आप ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, किस तरीके की मेकिंग हो रही है और किस तरीके का, मतलब यहाँ पे एक तो मैं कहूँगा एज एन आर्टिस्ट कि सेट पे बहुत ही हेल्दी माहौल है, जैसे कहा जाए तो मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल है, सब एक सारी यूनिट एक दूसरे से मिल के काम करती है, जैसे दोस्तों की तरीके से, उस तरीके। और यंग यूनिट है तो आगे चल के बहुत काम आने वाली है।